बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नेचर एंड फंक्शंस ऑफ द कैबिनेट इन यूनाइटेड किंगडम कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बनेगा आपका क्वेश्चन। Discuss the nature and functions of cabinet in UK constitution. Cabinet से हम मुराद जो है वो काबीना नहीं है, ठीक है। जैसे कोई भी गवर्नमेंट जो किसी स्टेट में रन कर रही होती है, जब वो इलेक्ट होकर आती है तो जो अक्सरियती लीडर होता है किसी भी पार्टी का, वो अपनी हुकूमत बनाने के लिए जो अपनी कैबिनेट का चुनाव करता है, अपनी काबीना का चुनाव करता है, उसमें वो मुख्तलिफ जो है वज़रा का तकरर करता है, एडवाइजर्स का तकरर करता है, तो उससे मुराद जो है वो कैबिनेट ली जाएगी जो उस स्टेट के अमूर को रन करने के लिए जो है वो मुख्तलिफ वज़रा और एडवाइजर्स पर मुश्तमिल हो। तो इसको हम आगे फर्दर देखते हैं कि कैबिनेट इज ए सेंट्रल स्टोन ऑफ पॉलिटिकल आर्च। ये बुनियादी अहमियत की अमल है, ठीक है। एक तो इसकी डेफिनेशन ये है। दूसरा, ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी में इसकी डेफिनेशन जो है The advisory council to an executive officer, कि जो इंतजामी अमूर चलाने वाला कोई भी ऑफिसर होगा उसकी जो एडवाइजरी काउंसिल होगी उसको भी जो है वो कैबिनेट का हम जो है वो नाम देंगे। इट इज अ कमेटी द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट होमोजेनेसिस in composition mutually responsible politically dependent upon a parliamentary majority for its existence and acting in subordination to an acknowledged leader। वही बात जो मैंने स्टार्ट में की कि ये एक कमेटी है जो दो हाउसेस के अराकीन पर मुश्तमिल होती है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ लॉर्ड, ठीक है, उसमें हाउस ऑफ कॉमन में जो अक्सरियती लीडर होगा, ठीक है, वो इन अराकीन का चुनाव करेगा जो कि एक एडवाइजरी काउंसिल की हैसियत रखते हुए गवर्नमेंट के अमूर को रन करने के लिए उसकी उस लीडर को जो है वो मुआवनत फराहम करेगा। अब इसमें आगे आ जाते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ कैबिनेट सिस्टम। ओरिजिनली कैबिनेट वाज कमेटी ऑफ प्रिवी काउंसिल विच बिकेम टू लार्ज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन वर्क। किंग चार्ल्स सेकंड 1660 से 85 तक इसका रहा है दौर, तो बिगेन टू कंसल्ट ए स्मॉल ग्रुप ऑफ प्रिवी काउंसिल इन मैटर ऑफ स्टेट। कि जो कैबिनेट का सफर था ना, वो एक प्रिवी काउंसिल जो थी वो किंग चार्ल्स दोम जो था उसने एक प्रिवी काउंसिल बनाई थी चंद अराकीन पर मुश्तमल जिनसे वो राय लिया करता था। तो उससे ये जो कंसेप्ट जो था ये आगे परवान चढ़ा। The cabinet is called the child of privy council। ये उस privy council से जो है कैबिनेट ने
जन्म लिया कैबिनेट के सबने। चार्ल्स सेकंड द कैबिनेट एक्वायर्ड ए फोनल शेप। द कैबिनेट सिस्टम फर्दर डेवलप ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विलियम थर्ड एंड क्वीन एन। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ जॉर्ज वन द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर केम इनटू एग्जिस्टेंस। यानी कि ये उसने बताया कि इसका ओरिजिन क्या है, कि ये कहाँ से कैबिनेट जो है वो उसके तसव्वुर आगे बढ़ा और किस तरह के जाके जो जॉर्ज वन था उसके दौर में जो है प्राइम मिनिस्टर जो वजीर आजम जो था उसका मुकर्रर किया गया। नेचर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट हम डिस्कस करेंगे। तो द कैबिनेट इज ए बॉडी अनरिकग्नाइज्ड बाय लॉ। इट्स एग्जिस्टेंस इज ओनली कस्टमरी बेस्ड ऑन कस्टम और कन्वेंशन। वो कहता है कि इसकी एग्जिस्टेंस जो है ना वो कस्टमरी है, एक रवाज से आगे ये चली है। कोई इसकी लीगली तौर पर इसकी कोई फाउंडेशन नहीं थी, कि वो बादशाह ने क्योंकि वजीर आजम का तकरर किया, उससे कबल जो है प्रीवी काउंसिल का तकरर किया गया, उससे राय ली गई, उससे ये फिर आगे तस्वर परवान चढ़ा कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी भी एक कैबिनेट होनी चाहिए। तो ये एक रस्म व रवाज के तहत जो है ये कैबिनेट का तस्वर जो है ये आगे बढ़ा। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट क्या होगी। द क्राउन सेंड्स फॉर द रिकग्नाइज्ड लीडर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी विच हैज द मेजॉरिटी कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर एंड आस्क हिम टू फॉर्म द कैबिनेट। तो इसमें आपने देखना है कि जो क्राउन होगा ना वो कॉल करेगा जो मेजॉरिटी पार्टी होगी उसके लीडर को, ठीक है। और मेजॉरिटी पार्टी का लीडर जो है उसको दावत दी जाएगी कि वो अपने आगे गवर्नमेंट जो है उसको तश्कील दे। तो जो गवर्नमेंट तश्कील दी जाएगी, जो गवर्नमेंट तश्कील देगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा, ठीक है। और जो प्राइम मिनिस्टर है वो जो है कैबिनेट फॉर्म करेगा। तो इस तरह एक कंपोजिशन ऑफ द कैबिनेट जो है वो आपको ज़ेहन-नशीन होनी चाहिए ये किस तरीके से होती है। अब फीचर्स ऑफ द कैबिनेट सिस्टम क्या है। एक्सक्लूजन द किंग फ्रॉम कैबिनेट, कि किंग जो है वो कैबिनेट का हिस्सा तसव्वुर नहीं होगा, ठीक है। ये हम इसकी जो है फीचर्स जो इसकी खसूसियात हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। कोऑपरेशन बिटवीन कैबिनेट एंड पार्लियामेंट, जो काबीना के मेंबरान होंगे उनके और पार्लियामेंट के माबैन जो है वो एक कोऑपरेशन होगा और कंप्लीट कोऑपरेशन होगा बिटवीन द कैबिनेट एंड पार्लियामेंट। वो अमूर जो है हम लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर प्लेज डोमिनेंट रोल इन कैबिनेट, कि जो कैबिनेट होगी ना काबीना उसका जो लीडर होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा और वो वाइटल रोल अदा करेगा वहां पर। द कैबिनेट इज फॉर्म्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ही इज की स्टोन ऑफ द कैबिनेट आर्च। उसके बाद सीक्रेसी एक अहम पहलू है इसका। द मीटिंग्स ऑफ द कैबिनेट आर सीक्रेट एंड प्राइवेट, के जो जितनी भी काबीना की जो मीटिंग्स होंगी वो सीक्रेट होंगी और प्राइवेट तौर पर उनका इनकार किया जाएगा। एवरी मेंबर ऑफ द कैबिनेट टेक्स इनटू ओथ ऑफ सीक्रेसी, द डिस्कशन इज नॉट डिस्क्लोज्ड इन द पब्लिक, और उसके तमाम अराकीन जो हैं वो इस चीज़ का ओथ उठाएंगे कि वो उसकी सीक्रेसी को जो है वो लाजमी मद्देनजर रखेंगे और जो उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा किसी पब्लिक कहेंगे स्टेज पे। उसके बाद नो लीगल स्टेटस, द ब्रिटिश कैबिनेट हैज नो लीगल स्टेटस, देयर इज नो मेंशन ऑफ कैबिनेट इन द रिटन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द कैबिनेट इज कॉल्ड द चाइल्ड ऑफ द कन्वेंशंस, कि इसका कोई लीगल स्टेटस नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन नहीं है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। ये एक कह लेंगे
कन्वेंशंस के जरिए जो है इसको इसकी बुनियाद फराहम की गई है कि प्राइम मिनिस्टर होगा और वो अपनी कैबिनेट बनाएगा गवर्नमेंट के अमूर को चलाने की। तो मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो वज़रा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या होगी, कैबिनेट मेंबर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू हाउस ऑफ कॉमन इंडिविजुअली एज वेल एज कलेक्टिवली एंड दे आर लाइबल टू लॉ फॉर देयर एक्ट्स। यानी कि जो कैबिनेट के मेंबर होंगे वो इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी हाउस ऑफ कॉमन को जवाबदेह होंगे। अगर उनसे जवाबदेही की जाएगी तो वो हाउस ऑफ कॉमन के जरिए की जाएगी। उसके बाद पॉलिटिकल होमोजेनिटी मींस दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट शुड हैव सिमिलर व्यूज ऑफ देयर पॉलिसीज। द मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट हैव सेम व्यूज बिकॉज दे बिलोंग टू वन पॉलिटिकल पार्टी। ये नहीं होगा कि जो मेंबरान है कैबिनेट के वो अपनी अपनी पॉलिसी लेके चलेंगे, वो जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी पॉलिसीज को आगे बढ़ाते हुए एक दूसरे से इख्तलाफ नहीं करेंगे, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी के तहत जो जिसकी मेजॉरिटी होगी उसकी गवर्नमेंट होगी और उसकी पॉलिसीज को ही आगे बढ़ाया जाएगा। तो इसमें हम आगे देखते हैं कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, द मेंबर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, द रिजल्ट इज द that all the members work as a team, the cabinet stands or falls together as a unit। कि वो collectively responsible होंगे किसी भी काम के और जवाबदेह होंगे और इकट्ठे काम करेंगे और इकट्ठे ही कैबिनेट जो है वो वजूद में आएगी, और अगर कैबिनेट खत्म होती है तो इकट्ठे खत्म हो जाएगी। यूनिटी ऑफ द कैबिनेट ये इज द आउटस्टैंडिंग फीचर्स ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट सिस्टम। द कैबिनेट ऑलवेज एक्ट एज ए यूनिट, दे आर सपोज टू फेस द हाउस विद वन वॉइस। यानी वो एक हाउस में अपनी यूनिटी जो है उसको बरकरार रखेंगे। फंक्शंस ऑफ, ये हमने उसके फीचर्स डिस्कस किए हैं, अब उसके फंक्शंस ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट क्या हैं। कि नंबर वन पॉलिसी डिटरमिनिंग फंक्शंस, उसमें क्या है, द कैबिनेट इज पॉलिसी फॉर्मिंग बॉडी, द कैबिनेट डिस्कस एंड डिसाइड ऑल सॉर्ट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स, द कैबिनेट डिसाइड द मेजर्स व्हिच आर टू रिसीव प्रायोरिटी। यानी कि वो एक पॉलिसी बनाएंगे कैबिनेट के मेंबर्स, पॉलिसी देंगे एक गवर्नमेंट रन करने के लिए, एक स्टेट के अमूर को चलाने के लिए। उसके बाद जो नेशनल और इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स होंगी उनके सलूशन के लिए पॉलिसी दी जाएगी। इसी तरह जो है वो ऐसे म्यार्स जो हैं उनका डिसाइड किए जाएंगे कि जिन पर वो पॉलिसीज बनती हैं, ऐसे मेजर्स अडॉप्ट किए जाएंगे। तो इसमें आगे आ जाते हैं कि इसके एग्जीक्यूटिव फंक्शंस क्या हैं। नंबर वन तो हमने डिस्कस किया कि वो पॉलिसी डिटरमिनिंग फंक्शन उसका एक है। अब आ जाते हैं कि उसकी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस क्या हैं। द कैबिनेट एक्चुअली जो है वो एक अपना रोल जो अदा करती है वो एक एग्जीक्यूटिव रोल अदा करती है इंतजामी अमूर चलाने के लिए। तो उसमें क्या है, फार्मुलेट द जनरल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, के गवर्नमेंट को एक जनरल पॉलिसी देती है जो कैबिनेट है कि किस तरह गवर्नमेंट के अमूर को चलाना है। It determines the foreign policy of the government। वो foreign policy का भी वो जो है वो करते हैं, तयन किया जाता है कि खारजा अमूर जो हैं दुनिया के साथ वो किस तरीके से चलाए जाएंगे। The cabinet determines measures of war and peace। ठीक है, अमन और जंग की जो सूरत हाल है उसके measures के मुतल्लिक भी जो है उसको डिस्कस किया जाएगा। All important appointments are made by the कैबिनेट, तमाम जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं वो कैबिनेट के जरिए की जाएंगी। अब इसका जो तीसरा जो फंक्शन है वो है लेजिस्लेटिव फंक्शन, कानून साजी जो है वो कैबिनेट किस तरह करेगी। द कैबिनेट कंट्रोल्स द लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज,
पार्लियामेंट इज समन ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट बाय द किंग, के कोई भी पार्लियामेंट का इजलास जो है वो कैबिनेट की एडवाइस पे सदर कॉल करेगा। और द स्पीच ऑफ द किंग इन पार्लियामेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द कैबिनेट, कि जो सदर की तकरीर है जो उसने पार्लियामेंट में करनी है वो भी कैबिनेट ने तैयार करनी है। द कैबिनेट एक्सप्लेन ऑल बिल्स व्हिच आर टू बी पास्ड इन द पार्लियामेंट, काबीना जो है उन तमाम मसवदा कानून की वजाहत करेगी जो मंजूरी के लिए पार्लियामेंट में पेश किए जाएंगे। द कैबिनेट गाइड द लीडर ऑफ हाउस इन द पार्लियामेंट, कैबिनेट जो है लीडर ऑफ हाउस जो है प्राइम मिनिस्टर उसको तमाम मामलात में गाइड करेगी। उसके बाद आ जाता है इसका जो चौथा फंक्शन है वो है फाइनेंशियल फंक्शन। द कैबिनेट प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन दिस रिगार्ड, इट प्रिपेयर्स द बजट फॉर द कंट्री एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टॉक। द चांसलर ऑफ एक्सचेकर इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एंड इज द मेंबर ऑफ द कैबिनेट। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है कि जो फाइनेंशियल फंक्शन है वो भी कैबिनेट जो है वो अदा करेगी। उसमें क्या है कि उसने बजट तैयार करना है, वो रिस्पॉन्सिबल है तमाम माली अमूर की, उसने देखना है कि मुल्क में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो स्टॉक की सूरत में अवेलेबल हैं। तो इस तरह जो कंट्री के फाइनेंस के अमूर जो हैं वो भी कैबिनेट जो है वो उसमें अपना इम्पोर्टेंट रोल अदा करें। इसके बाद हम इसका जो नहायत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन आ जाता है कि एक जुडिशियल फंक्शन है इसका, ठीक है। उसमें क्या है कि द जजेस ऑफ इम्पोर्टेंट कोर्ट्स आर अपॉइंटेड ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट बाय द किंग, कि वहाँ का जो अदालती निज़ाम है वहाँ की जो अहम अदालतें हैं उनके जजेस की अपॉइंटमेंट जो किंग करेगा वो एडवाइस ऑफ द कैबिनेट मेंबर्स की जाएगी। उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर जुडिशरी आर प्रिपेयर्ड बाय द कैबिनेट, वहाँ के अदालती निज़ाम को चलाने के लिए जो कायदे कवानीन बनाए जाएंगे वो भी कैबिनेट बनाएगी। द पावर्स ऑफ पार्डन reprieve and respite is exercised by the king on the advice of cabinet. अब power of pardon से मुराद लेंगे कि माफ करने का इख्तियार, ठीक है। अब माफ करने का इख्तियार किसके पास है, वो किंग के पास है, लेकिन वो किस वक्त इस्तेमाल किया जाएगा, जब कैबिनेट मेंबर्स उसको एडवाइस करेंगे। जैसे कि मुल्क की सबॉर्डिनेट कोर्ट से लेके जो मुल्क की आला अदालत है, ठीक है, वहां तक अगर उसको कोई मुल्ज़िम सजा याब हो जाता है, ठीक है, उसके बाद उसके पास अपील का हक जो है वो सिर्फ और सिर्फ रह जाता है किंग के पास, वो अपील करेगा माफ पार्डन के लिए। तो पार्डन के लिए जो अपील करेगा वो तो किंग जो है वो ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट जो है वो उसको करेगा। अब हमने आज डिस्कस किए हैं इम्पोर्टेंट फंक्शंस और जो नेचर्स ऑफ द कैबिनेट एग्जिस्ट कर रही है यूके में, ठीक है, वो हमने डिस्कस किए हैं। और इसको हम कंक्लूड करते हुए मैंने आपको बताया कि ये इसको कैबिनेट को डिफाइन किस तरह किया गया है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। उसके बाद हमने डिस्कस किया है कि इसकी नेचर और इसकी कंपोजिशन किस किस तरीके से है, ठीक है, और फिर हमने आगे जाकर इसके जो है वो फंक्शंस जो हैं वो हमने डिस्कस किए हैं कि ये पॉलिसी डिटरमिनिंग फंक्शन रखती है, ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन रखती है, लेजिस्लेटिव फंक्शन रखती है, उसके साथ साथ ये जुडिशियल फंक्शन रखती है, और फाइनेंशियल फंक्शंस जो हैं उसमें भी कैबिनेट अपना इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। तो इसके साथ ही हम आज के लेक्चर को कंप्लीट करते हैं।